एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। ये जुमे के दिन है आज, और हम जो मस्जिद में पढ़ के नमाज पढ़ के तो अभी वापस घर की तरफ जा रहे हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट डे एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया। सबका अलग अलग होता है, लेकिन मैं अपना बताऊंगा कि मेरा क्या सीन था क्या नहीं। ये अजान भाई हैं जो क्या कॉल पे लगे हुए हैं। और अजान भाई हेलो। और ये नए भाई आए हैं हमारे, भाई को दो दिन हुए हैं, फरहत क्या नाम है, फरहत पूरा नाम है फरहत अब्बास। तो जी भाई जान बताएं कैसा लग रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया आके? बहुत बेहतरीन हो गया। बस अभी हम जुमा शुमा पढ़ के जा रहे हैं आगे, और अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस बताते हैं और भाई का भी बताते हैं क्या सीन है क्या नहीं। तो बाकी घर भी दिखाते हैं आपको, और इधर कैसे रहते हैं क्या सीन है सब कुछ बताते हैं। तो भाई जान हम जिस जगह रहते हैं ना उसका ये पार्किंग एरिया ठीक है, और ये जो जहाँ पे रहते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये पहले व्यू तो देखें बाहर का, और हम रहते हैं ये इस जगह पे ठीक है। ये जगह है जहाँ रहते हैं हम, और बाकी अब अंदर जा रहा हूँ आपको दिखाता हूँ क्या सीन है क्या नहीं। ये चेक करें, बेडरूम होगी है, और एक ये है हमारा यूनिट वन। तीन यूनिट है इसमें, मतलब हैं तो काफ़ी छः हैं लेकिन हम तीन यूनिट में रहते हैं। तो पहला वो वाला हो गया, बाकी दो ये दो यूनिट है, सही है। एक फोर और फाइव, ये एक यूनिट फाइव है, ये भी है, और ये यूनिट फोर है। हम यूनिट फोर में जाते हैं तो देखते हैं और आपको थोड़ा व्यू करवाते हैं। ये देखें जी फरहाद भाई क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं भाई जान? चाय बना रहा हूँ भाई। चाय बना रहे हैं, क्या बात है। बस चाय शाय हमें ही पिलाना, थोड़ी चेक करें इधर भाई जान, इधर कोई कुछ नहीं करेगा, इधर सब कुछ खुद करना पड़ेगा, सफाई सब कुछ। घर जाना है मुझे, घर जाना है। तो आपको ये हमारा किचन है, और ये हमारा लिविंग एरिया है, सही है। इधर इस्त्री वगैरह हो जाएगी, और अब आपको टू बेड है ये दिखाते हैं। ये बेड है हमारा, एक ये बेडरूम है, और एक ये उसके साथ बेडरूम है। इधर से व्यू वगैरह देखें, सही है। ये नीचे वाली जगह भी हमारी ही है, मतलब कॉर्नर का हमारा, कॉर्नर का प्लॉट नहीं जिसे कहते वो वाला अपार्टमेंट है। इतनी खुशी। बाकी जो भी है अब चाय शाय बनाते हैं, चाय शाय पीते हैं, और बाकी आपको आगे अपडेट देते हैं। तो भाई जान हम चाय शाय पी के अब आ गए हैं बाहर, और अब मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट डे डर गई। इधर आवाम ने कुत्ते भी रखे हुए यार। बाकी ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट डे एक्सपीरियंस मेरा कैसा था। मैं आ गया पहले दिन जब मैं आया हूँ तो भाई जान ये एक अजूबा मुझे मिल गया, तो ये अजूबा मुझे मिल गया था पहले दिन। हमारे पास ना कोई सिम थी ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। जेन्युइन बात है, हम तकरीबन सुबह 7-1 बजे आए थे इधर, और आके ये तो मैं सो गया, मैं तकरीबन शाम को उठा तो फिर ये अजूबा मुझे मिल गया। फिर हमने हमारे पास सिम थी नहीं इधर तकरीबन, ये मेरे ख्याल 5-1 बजे मॉल चल बंद हो जाता जहाँ सिम मिलती है, सही है। तो हमने कोई सिम नहीं थी, कुछ भी नहीं था। फिर जी हमने कहा क्या करें, घर भी कोई नहीं था, जितने थे वो सारे काम शाम पे गए थे, सारा अपना कर रहे थे। तो भाई जान हमने फिर खाना शाना खाया, तो बस फिर हम बाहर निकल गए ऑस्ट्रेलिया। हमने कहा अकेले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, एक्सप्लोर करते हैं। ये इस जगह पे ना हम मतलब फिरते ना काफ़ी तकरीबन, हाँ इधर से हमने खाना शाना खाया था पोर्टो पे, असल में ये होता है हलाल होता है ना। तो हम ये फिरते रहे। पहला दिन गुजर, रात होगी सो गए, सुबह उठे फिर हमने सिम निकलवाई, तो ये सीन था। बाकी ये है कि यहाँ पे आने के बाद ना आपको सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, तीन चार चीज़ें। सबसे पहले आप अपनी सिम लें, सिम लेने के बाद आप अपना बैंक अकाउंट खुलाएं। अक्सर ज़्यादातर इधर जो स्टूडेंट होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो खुलवाते हैं कॉमनवेल्थ बैंक अकाउंट में ना, तो मतलब वो अच्छा सही होता है। तो वो आप बैंक वगैरह खुलाएँ, फिर आप अपना ABN TFN ये चीज़ें वगैरह बनाएं। ये इन सब चीज़ों में करते कराते हमें हफ्ता एक लग जाता है। तो ये चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं, ये चीज़ें वगैरह बनाएं। फोटो आईडी तो सबसे ज़रूरी है ना बैंक के बाद, मतलब फ़ोटो आईडी करना है। और जहाँ से आप बैंक अकाउंट बनाने जाएंगे उसके साथ ही NSW है, वहाँ से वो बनवा लें। तो ये सीन है। बाकी इधर गाड़ियाँ चेक करें और क्या क्या टाइट गैराज है, और क्या टाइट गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। एक और जो मेन जो इशू है वो है अकोमोडेशन का। तो जो नए स्टूडेंट आते हैं तो उनके लिए सबसे मेन इशू होता है अकोमोडेशन। सिडनी में आजकल ना अकोमोडेशन मतलब बहुत मुश्किलों से मिलती है। अगर यहाँ पे किसी को जानने वाला है तो फिर मतलब वेल एंड गुड, उतना इशू नहीं होता, उनके पास बंदा रह लेता है वो ठीक है।
लेकिन अगर किसी का कोई नहीं है, मतलब इधर कोई जाने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है, तो खुद आना सब कुछ करना है। उसका सबसे आसान हल ये है कि यार आप फेसबुक पे मार्केट प्लेस पे जाएं, जिस जगह जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी है उसके आसपास की कोई जगह डालें मार्केट प्लेस पे, तो वहाँ पे आपको मतलब इजीली मिल जाते हैं। और वहाँ पे अक्सर लोगों ने लगाया होता है कि जो भाई जो घर उन्होंने जिस घर में रहना है वहाँ पे बंदे चाहिए, तो इस तरह मतलब हो जाता है, वहाँ से आप पे कर लें, इधर आ कर लें, उतना इशू नहीं है। और जब आप अक्सर मतलब किसी का अकोमोडेशन या कोई जाने वाला नहीं है, तो यहाँ पे एक ये भी इशू होता है कि यार हमें एयरपोर्ट से कौन पिक करेगा ये वो, तो इसका भी ये इजी हल है कि जब आप आएँ तो मतलब उबर ऐप है वो आप कर लें, या तो जब एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे होता है कि भाई टैक्सियाँ वगैरह होती हैं, आप उनको एड्रेस बताएं वो आपको एड्रेस पहुँचा देंगे। ये भी इशू हो गया, सारा सॉल्व हो गया। और इधर बस और मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं है बाकी। ये इधर पहुँचने के बाद आप बैंक अकाउंट वगैरह बनाएं, उबर ये वो बैंक अकाउंट बनाएं, एबीएन वगैरह बनाएं, ये सब चीज़ें क्लियर करें, सब कुछ फ़ोटो आईडी बनाएं, बाकी इजी सीन है और कुछ भी नहीं है इधर। बाकी यही जो है आप लोगों के सामने सिडनी ऑस्ट्रेलिया ये मौसम है फिलहाल। अब तो आ गई है महीना ही है, इसके बाद आगे वो सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, गर्मियों वाला सीन ख़त्म हो गया है। तो ये भाई जान मेरा था फर्स्ट एक्सपीरियंस जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और बाकी इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाकी ये व्यू वगैरह तो चेक करें ज़रा, ओहो। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और क्या होता है यार बाकी आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा। हाँ ये देखें, ये जान भाई फुल प्रोफेशनल है, तो बस वो करें। बाकी ख्याल रखें अपने, ओके, अल्लाह हाफिज़।